जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपना YouTube चैनल दृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग ह्यूमन ब्लड यानी रक्त के दूसरे पार्ट को देखेंगे। जैसा कि पहले पार्ट में हमने ब्लड इंफॉर्मेशन के बारे में आप सबको बताया था, ब्लड क्या है, वयस्क मनुष्य में, स्त्री में यानी पुरुषों में और महिलाओं में जो है रक्त की संख्या क्या होता है, रक्त का निर्माण क्या कहाँ होता है ना, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग ब्लड इंफॉर्मेशन में देख लिए थे। आज हम लोग ब्लड कंपोजिशन के बारे में जानेंगे कि ब्लड का निर्माण जो है किन किन चीज़ों से मिलकर होता है, ब्लड कंपोजिशन यानी ब्लड का निर्माण जो है किन किन चीज़ों से मिलकर होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ब्लड का निर्माण जो है दो तरल पदार्थों से मिलकर होता है, जिसमें एक जो होते हैं लिक्विड, है ना, एक जो होता है लिक्विड और दूसरा पार्ट जो होता है हार्ट होता है। तो रक्त कंपोजिशन हम लोग बात करेंगे, रक्त जो है किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। तो एक है आपका यहाँ पे प्लाज्मा, एक क्या है प्लाज्मा, जो कि है ना कोमल पार्ट, इसका कह सकते हैं कि हार्ड पार्ट नहीं होता है, लिक्विड पार्ट होता है। और ये इधर रुधिर अणु जो है ना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कार्पल्स बोलते हैं, ये होता है हार्ड पार्ट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड में जो है रक्त यानी ब्लड कंपोजिशन में हम लोग आज बात करने वाले हैं सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। तो आप 9th में भी पढ़े होंगे प्लाज्मा क्या है, उसमें बताया गया होगा कि प्लाज्मा जो है एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जो पूरे रक्त का औसत कितना प्रतिशत होता है, 55 से 60 प्रतिशत, है ना, 55 से 60 प्रतिशत। उसके बाद हम लोग बात कर ले तो प्लाज्मा में दो विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें से एक जो होता है जिसको हम लोग फाइब्रिनोजेन कहते हैं और एक जो होता है प्रोन्थोविन। यानी कि प्लाज्मा में दो विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम फाइब्रिनोजेन होता है और दूसरे का नाम प्रोन्थोविन होता है। देखिए आपके सामने हमने लिख दिया है। अब ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं उसका कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य होता है रक्त का गाढ़ा बनाना, है ना, रक्त को गाढ़ा बनाना। जैसे हम लोग बात करेंगे तो प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजेन और प्रोन्थोविन को निकाल लिया जाए तो रक्त जो है हल्का पीला हो दिखने लगता है। ऐसे प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है वो पीला होता ही है, लेकिन प्लाज्मा में से ये दो प्रकार के प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो वो और भी ज्यादा पीला दिखना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो ये प्लाज्मा जो होता है कुल रक्त का औसत 55 से 60 प्रतिशत पाया जाता है, यानी कि रक्त में प्लाज्मा जो है 55 से 60 प्रतिशत के बीच में होता है। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोन्थोविन, जिसका मुख्य कार्य होता है रक्त का गाढ़ा बनाना। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे तो प्लाज्मा में कुछ और जो है ना क्या है, विभिन्न प्रकार के अनुपात पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जिसमें से अगर हम लोग जल की बात करेंगे तो प्लाज्मा में जल की मात्रा जो होता है वो है 95%, इसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। प्रोटीन की हम लोग बात कर लेंगे तो प्लाज्मा में 6 से 7 8 प्रतिशत, कहीं कहीं 7 एकदम एवरेज मार्किंग दिया हुआ रहता है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन जो है 6 से 7 प्रतिशत होता है। अगर हम लोग लवण की बात कर लेंगे तो लवण इसमें पाया जाता है 0.9%, और ग्लूकोज की बात अगर प्लाज्मा में किया जाए तो 0.1%। तो ये रक्त के पहले पार्ट यानी प्लाज्मा को हम लोग देख लिए। अब हम लोग दूसरे पार्ट को इधर आइए देखते हैं। दूसरा पार्ट जो है रक्त का वो है रुधिर अणु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ये पूरे रक्त की अगर इसका बात किया जाए तो ये पूरे रक्त में औसत जो है एवरेज 40 से 45% के बीच पाया जाता है। रुधिर अणु जो है ये तीन पार्ट में इसको बांटा गया है, एक जो है आपका आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा जो है वो आपका क्या है, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं।
WBC को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को हम लोग प्लेटलेसिंग बोलते हैं। दूसरी बात हम लोग जानेंगे कि RBC का जो टेक्निकल नाम है, टेक्निकल यानी दूसरा नाम या उपनाम आप कह सकते हैं, तो RBC का टेक्निकल या उपनाम या दूसरा नाम जो है बाबू वो है क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है ना। RBC का पूरा नाम जो होता है वो एरिथ्रोसाइट यानी दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है। इसी तरह से WBC के उपनाम या टेक्निकल नाम को देखेंगे तो इसका टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स के अगर टेक्निकल नेम को देखा जाए तो वो होता है थ्रोम्बोसाइट। आगे चलते हैं हम लोग आगे। RBC की अगर संख्या की बात करेंगे, WBC की संख्या की बात करेंगे, प्लेटलेट्स की संख्या की बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि RBC की जो संख्या होता है रक्त में, RBC जो पाया जाता है वो 5 लाख की संख्या, सॉरी 50 लाख की संख्या में होता है। 50 लाख को आप यहाँ जो है 5 मिलियन, यानी बुक में कहीं कहीं देखिएगा तो लिखा हुआ रहता है कि रुधिरानु जो है रक्त में, है ना, यानी कि रुधिरानु में RBC की संख्या कितना होता है, तो 50 लाख या 5 मिलियन। WBC की संख्या अगर हम लोग रुधिरानु में देखेंगे तो ये होता है 10,000, और प्लेटलेट्स की अगर संख्या देखा जाए तो इसका संख्या 2 लाख होता है। एक बार एग्जाम में RBC से यानी रुधिरानु से पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा गया था कि रुधिरानु में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, या सबसे अधिक संख्या में कौन पाया जाता है, तो अधिकांशतः स्टूडेंट यानी विद्यार्थी जो उसके आंसर लगाए थे वो लगा दिए थे प्लाज्मा, जबकि प्लाज्मा की बात नहीं है। यहाँ पूछा गया था कि रुधिरानु में सबसे अधिक संख्या कौन होता है, या सबसे अधिक संख्या में कौन पाया जाता है, तो रुधिरानु तो आप इधर आपको जाना ही नहीं है। रुधिरानु की बात किया जा रहा है तो आपके सामने लिखा हुआ है कि रुधिरानु यानी कार्पल्स में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो है वो आपका कौन है, RBC यानी रेड ब्लड कार्पल्स, इसकी संख्या 50 लाख या 5 मिलियन होता है। उसके बाद हम लोग WBC की बात करेंगे तो WBC की संख्या 10,000 है और प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख है। अगर इसके जीवन काल की हम लोग RBC के जीवन काल की बात करेंगे तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, WBC का 4 दिन का होता है और प्लेटलेट्स का 7 दिन का होता है। विशेष तौर पे अगर हम लोग समझेंगे तो हम आपको बता दें कि RBC में जो है केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि WBC में केंद्रक उपस्थित होता है, ये आप 9th 10th में ही पढ़ चुके हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो है RBC में केंद्रक उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, और WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि RBC जो रेड ब्लड कार्पल्स होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और फिर WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। यहां तक समझ गए होंगे उम्मीद है मुझे। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे RBC WBC और प्लेटलेट्स के कार्य की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहां से, सबसे पहले हम लोग चलेंगे RBC। तो RBC का मुख्य कार्य होता है, RBC का मुख्य कार्य होता है CO2 और O2 का परिवहन करना। आप क्लास 10th के है ना बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे कि RBC का कार्य जो होता है वो होता है CO2 और CO2 और O2 को क्या करना, परिवहन करना, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना। उसी तरह से WBC के बारे में भी आप पढ़े होंगे कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो क्या करती है, हम सबको प्रदान करती है ना। उसी तरह से अगर हम लोग प्लेथलेस की बात करेंगे, है ना, प्लेथलेस की अगर बात किया जाए तो प्लेथलेस का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। जैसे देखे होंगे कि किसी किसी व्यक्ति का होता क्या है कि है ना, किसी कार्य करने के दौरान, खेलने के दौरान, दौड़ने के दौरान, या विभिन्न कार्यों के दौरान जो है ना, शरीर का किसी भाग अगर कट फट जाता है तो उसके शरीर से निकलने वाला जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो दबाने के बाद भी ना जल्दी नहीं रुकता। इसका कारण क्या होता है,
कि उसमें प्लेथलेट्स की है ना मात्रा जो है कम हो जाने के कारण जो है वो शरीर से निकलने वाला ब्लड उसको दबाने के बाद वो जल्द थक्का नहीं बनता है। तो प्लेथलेट्स का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। और रक्त थक्का कब नहीं बनता है, तो मनुष्य में यदि विटामिन के की कमी हो जाता है, विटामिन के की कमी होने के चलते जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आज का क्लास जो है आप सबके लिए इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। इसी तरह से पार्ट वन हम आपको ब्लड ह्यूमन ब्लड का पार्ट वन दिए और आज का क्लास जो था पार्ट टू था, और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे और भी आगे है ना, और भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो आज ये सेकेंड क्लास था है ना ब्लड का, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं इसी चैनल पे, और हमारे वीडियो है ना अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट लाइक और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।